हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहिणी मयूर एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कच्ची हल्दी का अचार बनाएंगे। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, वो आंवला का और हल्दी का मिक्स था। ये सिर्फ हल्दी का अचार है और इसे हम घर के सामान से ही एकदम आसान तरीके से बनाएंगे। ये मसाला हम घर पे जो सामान अवेलेबल होता है उसी में से हम इसका मसाला बनाएंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। और जैसे कि आप जानते हो कि हल्दी हमारे हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा लाभदायक है, सो फ्रेंड्स आप ये हल्दी वाला अचार ज़रूर बनाकर देखना। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम हल्दी ली है और ये सरसों का तेल लिया है। ये अचार बनाने के लिए हमने खास सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दोस्तों। और ये जो हल्दी है वो हमने धोकर सुखा कर ली है। 5 नींबू लिए हैं यहाँ पर और कुछ लहसुन की कलियाँ। ये थोड़ा सा हमने रेडीमेड अचार भी यूज़ किया है, लेकिन ये पूरी तरह से स्किप किया तो भी चलेगा, मेरे पास था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है। और यहाँ पर सौंफ लगेगी हमें 2 चम्मच, मेथी दाना 2 चम्मच, राई 4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और नमक और हींग का पाउडर लिया है यहाँ पर रेडीमेड, और दूसरा है सौंठ का पाउडर। तो दोस्तों यहाँ पर आप अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सौंठ का पाउडर यूज़ किया है, इससे भी बहुत अलग ऐसा फ्लेवर आएगा। तो चलिए फिर अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हल्दी यूज़ की है वो हमने रात को ही धोकर उससे पूरी तरह से सुखा कर लिया है, और इसमें पानी की एक बूंद में नहीं रहनी चाहिए, इसका आपको या हमें खास ध्यान रखना है, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका जो बाहर के छिलके हैं वो हम निकाल लेंगे और इस तरह से इसे साफ़ कर लेंगे। तो सभी हल्दी का हम ऐसे ही उसका छिलका निकाल देंगे, चम्मच से भी आप निकाल सकते हो। और ये दिखने में पूरी अदरक की तरह ही हल्दी लगती है, और ये विंटर के सीज़न में, ठंड के सीज़न में ये अवेलेबल होती है दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये इसके पूरे छिलके निकाल लिए हैं। अब इसे हम चाकू की सहायता से इस तरह से लंबे लंबे काट देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये खाने के लिए आसान रहता है, इसलिए मैंने इसे लंबे लंबे इसे काट लिया है। आपको जो पसंद है वो शेप आप दे सकते हो, या फिर हम इसे कद्दूकस भी करके लिया तो भी बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से हम ये हल्दी पूरी ऐसे काट लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने तेल जो है वो सरसों का तेल यूज़ किया है, तो आप सरसों के तेल में कोई भी अचार बनाकर देखना। अचार के लिए ये तेल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है एकदम बढ़िया आता है अचार में। और दोस्तों इसे काटते समय अगर आपके हाथ पीले आपको नहीं चाहिए तो आप हाथ को ग्लव्स भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने इसे काट लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले हम अचार को जो मसाला लगता है वो मसाला हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है, और अब हम इसमें, पैन गरम होने के बाद सबसे पहले हम इसमें राई डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 चम्मच यहाँ पर राई डाली है, और इसे हम अच्छी तरह से थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और दोस्तों राई फूलने के बाद थोड़ा सा उसका कलर चेंज होता हो जाता है और चटपट ऐसे आवाज आता है, उस तक वहाँ तक हमें इसे फ्राई करना है या रोस्ट करना है। और ये रोस्ट अच्छी तरह से हो चुके हैं यहाँ पर। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जीरा, उसके बाद इसमें हम डालेंगे सौंफ। सौंफ यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है, और फिर से इसे रोस्ट करेंगे।
अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना। तो मेथी दाना हमें 1 से 1.5 चम्मच सिर्फ लेना है, और इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। तो अब हम गैस जो है वो ऑफ कर देंगे और उसी मसालों में ये गर्म हो जाएगा, अपने आप ये रोस्ट हो जाएगा, इसे ज़्यादा हमें भूनना नहीं है दोस्तों। तो हमने गैस ऑफ कर लिया है और इसे अब हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और उसी में हमें इसे दरदरा पीसना है। एकदम पाउडर नहीं बनाया तो भी चलेगा, दरदरा हमने यहाँ पर इसको इसका पाउडर बनाना है। और ये हमारा अचार का मसाला तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये बन गया हमारा अचार का मसाला। अब हम उसी पैन में थोड़ा सा, यानी कि 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन की कुछ कलियां। लहसुन का भी एकदम लाजवाब फ्लेवर आता है दोस्तों। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और लहसुन एकदम लाल होने तक हमें इसे यहाँ पर डीप फ्राई करना है, यानी कि उसे हमें तल के लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लहसुन अच्छे से तेल में फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हींग का पाउडर, और हम गैस जो है वो ऑफ कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, यानी कि हमें थोड़ा सा इसे गुनगुना रखना है। एकदम गरम इसमें हम मसाला नहीं डालेंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो थोड़ा सा तेल ठंडा होने के बाद इसमें हम ये जो हमने मसाला तैयार किया था ये इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, सौंठ का पाउडर, और ये तीनों चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये जो हमने रेडीमेड वाला थोड़ा सा मसाला 2 चम्मच लिया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये रेडीमेड अचार का मसाला बिल्कुल स्किप किया तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा, क्योंकि हम ये सेम ही मसाला रहता है जो हमने घर में बनाया है। अब हम ये कच्ची हल्दी इसमें डालेंगे, और यहाँ पर हमने 5 नींबू का रस निकाल के लिया है और वो भी हम इसमें डाल लेते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम खट्टा, एकदम अचार बनेगा हमारा, मतलब कि पहचानने को भी नहीं आएगा कि ये मैंगो पिकल है या फिर टर्मरिक पिकल है। आप बनाकर देखना दोस्तों। और इसमें आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि हमने पिछला जो अचार बनाया था उसमें हमने गुड़ डाला था, तो ये थोड़ा सा अलग टेस्ट का चाहिए और ये थोड़ा सा खट्टा ही अचार अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमारा ये हल्दी का, कच्ची हल्दी का अचार यहाँ पर बनकर तैयार है फ्रेंड्स। और इसे हम अब एक बर्नी में स्टोर करके रखेंगे, थोड़ा सा इसे 2-3 दिनों तक हमें इसे हिलाना है, मतलब कि ऊपर से नीचे तक पूरा मिक्स होना चाहिए अच्छे से। इसलिए आप चाहे तो इसे धूप में भी रख सकते हो ताकि इसका लाइफ बढ़े। मैंने ये कम क्वांटिटी में किया है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। तो दोस्तों, ये बन गया हमारा कच्ची हल्दी का अचार। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो और जब आप ये अचार बनाओगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसे लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ।
तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।